उद्योग और उद्योगपतियों के स्वागत के लिए राजस्थान एक बार फिर से तैयार है राइजिंग राजस्थान को लेकर। हमारे साथ उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर साहब मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है उद्योग और उद्योगपतियों? देखिए, एक लक्ष्य लेकर काम हो रहे हैं कि जब देश की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया में भारत की जो इमेज है बहुत बढ़िया बदल दी। आज स्टेबल सरकार है दुनिया के अंदर भारत, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है भारत, और साथ साथ मार्केट सबसे बड़ा है। ये सारा का सारा हमारी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए आज दुनिया भारत में निवेश करना चाहती है। उसके अंदर राजस्थान सबसे अग्रणी बने, ये हमारी जिम्मेदारी है, और राजस्थान के पास कोई कमी नहीं है। हमारे पास जमीन लैंड की कोई कमी नहीं है, सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, हमारे पास युवा ऊर्जा की हमारे पास कमी नहीं है। पिछली सरकार में अगर कोई कमी रही तो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी रही। लाल फीता जाए शाही जब होती है तो कैसे कोई निवेश कर पाएगा, कहीं ना कहीं अड़चन आ जाएगी। हमने ये सारा सरल करा है। हम 9, 10, 11 दिसंबर को राजस्थान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट कर रहे हैं। एक ग्लोबल आउटरीच हो रही है, 9 राष्ट्रों के अंदर हमारी डेलीगेशन जा रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो वहाँ से या फंड हो वहाँ से आ रहे हैं। उनको मार्केट चाहिए, मार्केट यहाँ पर अवेलेबल है। युवा शक्ति, हमारी स्किल्ड युवा शक्ति यहाँ पर अवेलेबल होगी। इस तरह से हम काम कर रहे हैं, और उस 9, 10, 11 के अंदर एक दिन हमने नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों के लिए रखा है, क्योंकि वो हमारी पूंजी है, हमारा एसेट है, और सबसे शानदार व्यवसायी वो है, तो उनका एक इमोशनल कनेक्शन भी है राजस्थान के अंदर। जिस तरह की परेशानियाँ पहले उनके रही वो सारी हम खत्म करना चाहते हैं, और इन सब से राजस्थान में एक माहौल बनेगा आर्थिक मजबूती का। उस आर्थिक माहौल के अंदर कोई युवा अपनी खुद की फैक्ट्री लगाएगा दूसरी फैक्ट्री को सप्लाई करने में, कोई अपनी सर्विस लगाएगा, कोई अलग अलग तरह से वहाँ पर व्यवसाय शुरू होंगे। सर, जिस प्रकार से निमराना में जैपनीज को जमीन दी गई, क्या उस प्रकार से राइजिंग राजस्थान के साथ ही और उसके बाद भी क्या इस प्रकार की और कोई जमीन किसी और कंट्री के लिए सोची जा रही है? राजस्थान ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कंट्री स्पेसिफिक जोन है, जापानीज जोन, और उससे क्या होता है जो देश वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लेकर आता है उनको एक अपने देश का जैसा माहौल बनता है। तो सरलता रहती थी कि हम जब बाहर जाते हैं तो हम भी चाहते हैं ना कि हमारा जैसा माहौल रहे, तो उस तरह ये संभव है कि हम दूसरे देशों के लिए भी एक कंट्री स्पेसिफिक जोन बनाए। पुराना जो एक्सपीरियंस रहा व्यापारियों का उसको भुलाने के लिए इस बार क्या कुछ तैयार है? हमने बहुत सारे बदलाव किए। सबसे पहले तो पहले ही साल में, अपने कार्यकाल के पहले ही साल में हम ये समिट कर रहे हैं ताकि उसको धरातल पर उतारने का हमारे पास समय है। दूसरा, हम 25 IAS ऑफिसर्स को हमने जिम्मेदारी दी है कि एक एक राष्ट्र के लिए वो जिम्मेदार रहेंगे। यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी भले ही बदले लेकिन उस राष्ट्र के प्रति उन्हीं की जिम्मेदारी रहेगी, ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसी तरह हमने IAS ऑफिसर्स को चिन्हित करा है जो अलग अलग प्रदेशों के लिए जिम्मेदार रहेंगे। हमने 21 नई पॉलिसीज बनाई जिससे सरलता आए व्यापार के अंदर। हमने 7 पॉलिसीज को मॉडिफाई कराए, बेहतर कराए। हम नीलामी में नहीं जा रहे, जमीन की नीलामी में क्या रेट बढ़ जाती है जी, फिर बिजनेस हो नहीं सकता। हम उसको MSME के लिए तो ऑक्शन कर रहे हैं, और बाकियों के लिए हमने उसको सरल कर दिया है जमीन को लेना। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, हम ईज ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, ताकि राजस्थान के अंदर हमारे युवाओं को काम करने का अवसर मिले। मैसेज उद्योग और उद्योगपतियों के लिए मेरा आग्रह है आप सबसे कि यही समय है, राजस्थान के दरवाजे खुले हुए हैं बिजनेस के लिए। हर तरह से हम आपको सहूलियत देंगे, हर तरह से आपके लिए लाल कारपेट बिछा हुआ होगा, और जो जिस तरह से भौगोलिक स्थिति है उसमें राजस्थान में आपको आने में बहुत फायदा रहेगा। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बिना बिजनेस के भी आए तो भी सबसे शानदार तरीके। इतने हमारे साथ राजवर्धन सिंह राठौड़ जी उद्योग मंत्री, इनका साफ तौर पर कहने का यही समय है और शायद सही भी समय है। उद्योग और उद्योगपतियों के स्वागत के लिए राजस्थान तैयार है। राइजिंग राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे, और राजस्थान आपको एक बहुत बढ़िया अनुभव आपकी बार देने वाला है। पुरानी जो आपकी यादें हैं, जो बुरी यादें हैं, उनको भी मिटाने का काम इस बार राइजिंग राजस्थान में होगा। एक निवेश के लिए उपयुक्त स्थान और उपयुक्त चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, चलता दरबार।